हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी पिंपल्स के बारे में। आज की जनरेशन में ऑयली खाना, बार का फूड सब बहुत इफेक्ट करता है स्किन पे, तो इसको किस तरह से ठीक करना है, चलिए हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। कौन कौन? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पिगमेंटेशन या झाइयों की प्रॉब्लम क्या है और इससे कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन कौन से वेस्टेज प्रोडक्ट यूज करने से यदि बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है। दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों स्किन पिगमेंटेशन यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे फेस का कुछ हिस्सा काला हो जाता है या काले या भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं, जिसे हम डार्क स्पॉट, जम लैक्स स्पॉट भी कहते हैं। इससे हम मेलास्म नामक की प्रॉब्लम भी कहते हैं। दोस्तों जो ये धब्बे हैं नाक, आँख और होठों, माथे पर ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण हमारे चेहरे का रंग काला भूरा दाग धब्बों से भरा हुआ दिखता है और जो हमारा फेस है जो बहुत ही ज़्यादा भद्दा दिखता है। ये जो प्रॉब्लम है वो महिलाओं में ज़्यादा होती है। इसके कारण दोस्तों बहुत सारे कारण हैं, आइए हम इनकी बात करते हैं। दोस्तों ज़्यादा धूप में रहना, पॉल्यूशन भी इसका एक कारण है। हमारे शरीर में हार्मोन्स के बैलेंस का बिगड़ना भी इसका मेन कारण है। इसके अलावा त्वचा में मेलानिन का बढ़ना भी इसका मेन कारण है। और इसके अलावा ग्रंथ बंद गुटिया का सेवन करना भी एक कारण है। और घटिया कंपनी की क्रीम लगाते हैं और जो भी फेस पर जैसे ब्लीचिंग क्रीम लगाते हैं, फेशियल लगाते हैं या और भी किसी तरह की क्रीम जैसे आप घटिया क्वालिटी की लगाते हैं, इसका कारण या किसी अंग्रेजी मेडिसिन जो एलोपैथी होती है जिसका गलत उपयोग या उसके साइड इफेक्ट के कारण भी यह प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण आपके फेस पर जो भी है दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जिसके कारण स्किन है जो काली पड़ जाती है, जिससे हम डार्क स्पॉट या ब्लैक स्पॉट कहते हैं। दोस्तों इसका ट्रीटमेंट हम बताएंगे, दो तीन तरीके बहुत नेचुरल हैं, जैसे धूप में ज़्यादा बाहर नहीं जाना और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, हरे फल और सब्जियों का जूस ज़्यादा से ज़्यादा पिए, केमिकल वाले सब्जियां ना लें, ऑर्गेनिक खाएं। और एक है दोस्तों चीनी और चाय का सेवन बिल्कुल भी ना करें। चीनी की जगह आप गुड़ शक्कर का प्रयोग भी कर सकते हैं और चाय की जगह आप बबूल के छिलके या पीपल के पत्तों का या तुलसी के पत्तों की चाय बना सकते हैं। इसके कारण आप वेस्टीज के प्रोडक्ट बताते हैं, जैसे दोस्तों वेस्टीज के प्रोडक्ट है वेस्टीज फेस वॉश, रोजाना दो टाइम अपने फेस धो सकते हैं। और दूसरा है वेस्टीज फेयरनेस क्रीम, फेयरनेस क्रीम के बाद सुबह लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों धूप में जाना पड़ता है तो दिन में तो फेस वॉश लगाने के बाद आप सन डिफेंस SPF 30 का यूज कर सकते हैं। अब तो 40 प्लस वाली क्रीम भी आ गई है, इसका भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगला है वेस्टीज टैन क्लीनर, वेस्टीज टैन क्लियर फेस पैक जो आपको धूप से बचाता है और आपकी पिगमेंटेशन से बचाता है, इसका भी उपयोग दिन में एक बार कर सकते हैं या सप्ताह में तीन बार कर सकते हैं। अगला वेस्टीज नाइट क्रीम, इसका उपयोग रात को फेस वॉश करने में रात में सोते समय कर सकते हैं, क्योंकि यह रात भर आपकी स्किन का रिपेयर करती हैं। स्किन में जो भी फ्लू पॉल्यूशन जो गंदगी है या दिन भर की जो डस्ट है या इसको पॉल्यूशन जो स्किन में से बाहर करती हैं। दोस्तों सभी प्रोडक्ट का उपयोग आप 6 मंथ तक करें, इसका रिजल्ट आपको 2 मंथ में मिलना शुरू हो जाएगा और जो आपको ब्लैक स्पॉट की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सप्ताह या 10 दिन में इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, इसका रिजल्ट 2 महीने में 30% तक मिलना शुरू होगा। इसका 6 मंथ तक यूज़ करने पर इसका रिजल्ट मिलेगा। और यह वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं और आगे से आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।